ये अशरफ साहब हमारे लिए एक गजल पेश करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अशरफ साहब की मदद से यीशु इस मौका पे नहीं पहुंचता। उन्होंने यूसी बर्कली से ग्रेजुएट किया आज से 40 साल पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ। चले उनको स्टेज पर हम बुलाते हैं। अलैकुम जी, आप लोगों ने मेरी उम्र की का पोल खोल दिया और प्रोग्राम में तो लिखा है कि मेरा रुतबा गेस्ट स्पीकर का है और अब आप लोग कहते हैं कि मैं किसी मोहम्मद रफी के गाने का सत्यानाश कर दूं। बाहर आप देखें, कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा। आप लोग सोचते तो होंगे कि ये नौजवानों की महफिल में ये बड़े मियां साहब कहां फंस गए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इस महफिल में आके हमें अपनी जवानी याद आई। हमारी जवानी पे जो हसीनों की जूतियों की बारिश और हसीनों की गालियों की भरमार हुई, उसकी जनाब याद ताजा हो गई। लेकिन क्या जवानी थी हमारी, क्या जमाना था। दिन के ठीक 3 बजे लड़कियों के कॉलेजों के गेटों के सामने मोटरसाइकिल पे बैठ के हमारा काला चश्मा, तंग पतलून, वही मुराद के बाल, दलीप कुमार की चाल, हाँ अब बुढ़ापे में ना वो चाल रही ना वो बात। लेकिन जनाब दिल अभी भी जिंदा है। और उस जमाने में क्या इश्क लड़ाते थे, हाँ कौन हसीना थी जिस पे हम आशिक ना थे और कौन हसीना थी जो हमारे ख्वाबों में हम पे आशिक ना थे। बकौल शकील बदायूनी के, पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पे डार के, नैनों में कजरा लगा के हमारे ख्वाबों में राधिका नाचे। ओ पग में घूंघर बांध के ओ घूंघटा
चोम चोम चाना नाना चोम चोम चाना ना राम ता काम ता काम भा 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 भगवान में राधे का नाम राधे का नाम मेरे प्रभु के एक गाने का तो सत्यानाश कर ही दिया। अब आपकी जूतियों की बारिश से पहले यहां से रफा दफा हो जाऊं तो बड़ी बात है। गले गले मगा पामा दा पगी दा मेरी सार सारी दा पामा बा दा सार सारी दा पामा बा गामा दे रा गामा रे सा जो बन में राधे का नाचे रे सा सा दा नी दा पामा बा दे रा गामा रे सा सा गामा सा गी सा मगो बन में राधे का याद है मुझको मेरी उम्र